साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर वीडियो नंबर 22 नंबर का। साथियों 121 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पूछा था, तो आंसर भी मिला है मुझे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान थे डॉक्टर उलर। तो ये मुझे आंसर मिल चुका था आपका साथियों, बहुत बढ़िया है, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए। चले अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 22 नंबर का, 122 नंबर का प्रश्न है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो सबको पता है राहुल वेल है। देखो साथियों, पहले भी हम लोगों ने इन क्वेश्चनों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आपको भी अब आइडिया लग चुका होगा। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राहुल वेल है। हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। तो एक पॉइंट ये भी बनता है कि जो नक्षिक वर्णन है और श्रृंगार परंपरा का जो आरंभ है वो इसी रचना से माना गया है। किससे? राहुल वेल, ये रोड़ा कवि की रचना मानी जाती है। ठीक है, आगे है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। ये पॉइंट भी अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा कि जो राहुल वेल रचना है इसमें कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7 बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। इसमें अब देखो 7 बोलियों के शब्द तो मिलते हैं, लेकिन प्रधान कौन सी है? राजस्थानी प्रधान है। राहुल वेल एक शिलांकित कृति है। साथियों इसकी विशेषताएं हैं, राहुल वेल क्या है? एक शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। अब आगे वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिषो ठाकुर की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा की गई थी। 12वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक के रचनाकार जोयंदु को माना जाता है साथियों। तो साथियों देखिएगा, हमने केवल क्वेश्चन तो राहुल वेल के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन इसमें जो भी और भी 3 ऑप्शन बचते हैं उनकी भी पूरी डिटेल यहाँ पर दी जाती है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 123 नंबर का प्रश्न है। तो निम्नलिखित ग्रंथ को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, तो पिसल देव रासो नरपति नाल की रचना मानी जाती है, सबको पता है। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। इसके बाद में भरतेश्वर बाहुबली रास, जो भरतेश्वर बाहुबली रास है वो नरपति नाल की रचना है। और दोहा कोष सरपा की रचना मानी जाती है साथियों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, बिसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, खालिक बारी अमीर खुसरो की है, भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी की है, दोहा कोष सरपाद की है, और कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। आप लोग इनसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और याद रखिए। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तर्क आर, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन जो है गलत है और आर सही है। तो जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ स्वरूप परिवर्तन नहीं होता, जबकि परिवर्तन होता है। तो ए गलत है और आर यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। 125 नंबर का प्रश्न है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या था? गोरखनाथ की जो साधना पद्धति थी सबको पता है, हठ योग साधना पद्धति थी। कौन सी? हठ योग। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य होता है और ठ का अर्थ चंद्र होता है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। वैसे ही गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ था।
और गोरखनाथ या नाथ संप्रदाय की जो पद्धति है वह हठ योग साधना पद्धति है। और गोरखनाथ ने जो है हठ योग अर्थात नाथ पंथ का आरंभकर्ता जो है गोरखनाथ को ही माना जाता है। और हठ योग में जो हठ है उसमें ह का मतलब सूर्य होता है और ठ का मतलब चंद्र होता है। साथियों अच्छे से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोगों को याद होने भी चाहिए। चलिए देखते हैं, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 126 नंबर का प्रश्न है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार यहाँ पर किसको माना जाता है? राम सिंह को माना जाता है, यथा राम सिंह पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? राम सिंह ने लिखा था। तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जो है सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल जो 1057 के लगभग मानते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अमीर खुसरो की बात यहाँ पर की जाती है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ ये कथन किस लेखक का है? ये अमीर खुसरो की बात की जाती है, अर्थात अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी पुकारा जाता है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ अमीर खुसरो ने कहा था, आदिरकालीन अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे और निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। अमीर खुसरो का नाम जो है अबुल हसन था, सबको पता है, पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ। और अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली हिंदी साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, अर्थात अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी साहित्य में लिखने वाले पहले जो है कवि माने जाते हैं। जो इन्होंने पहेलियां मुकरियां लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाएं खालिक बारी, पहेलियां मुकरियां और दो सुकने और गजल अमीर खुसरो की रचनाएं रही है। साथियों 128 नंबर का प्रश्न है, देसिल बहना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार यहाँ पर विद्यापति को माना जाता है। देसिल बहना सब जन मिठा बहुत बार ये पंक्ति पूछी जाती है और इसके रचनाकार विद्यापति हैं। देखिएगा, देसिल बहना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का ये वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति को माना जाता है। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताक एवं पदावली हैं। प्रमुख प्रथम दोनों रचनाएं अवट भाषा में और पदावली मैथिली भाषा में रही हैं और पदावली की वजह से जो है विद्यापति को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। 129 नंबर की रचना है, सारंगधर पद्धति किस विद्या की रचना मानी जाती है? ये सुभाषित संग्रह है। सारंगधर जो पद्धति है वो किस विद्या की रचना है? सुभाषित संग्रह की रचना मानी जाती है। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विद्या की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर हैं, ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। 130 नंबर का प्रश्न है, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, मैथिल कोकिल नाम से साथियों किसको जाना जाता है? आप लोग मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे। 130 नंबर का प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है। साथियों तो साथियों ये 121 से लेकर के 130 क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चनों को आप पढ़िए, इनमें जो भी आंसर आते हैं, जो भी इनका एक्सप्लेन दिया हुआ है, उनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। साथियों आपको कैसा लगा है साथियों जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।